अगर आपका भी पीएफ क्लेम सेटल हो चुका है दोस्तों, लेकिन अभी तक पैसा आपके बैंक अकाउंट में नहीं आया दोस्तों, तो आज का ये वीडियो बस आप लोगों के लिए होने वाला है। दोस्तों बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि मेरा पीएफ क्लेम तो सेटल हो चुका है, 3-4 दिन भी हो चुका है, लेकिन पैसा अभी तक बैंक में तो क्रेडिट हुआ नहीं है। पैसा आखिर गया तो गया कहां, और आएगा कि नहीं आएगा? क्या पैसा आपका बैंक में आपको क्रेडिट होगा, क्या पैसा आपको मिलेगा, या फिर आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा, पैसा वापस चला जाएगा? दोस्तों आज का अगर आप वीडियो देखते हैं दोस्तों, तो आप अपने पैसे को जल्दी अपने पास मंगा सकते हैं दोस्तों, अगर कोई प्रॉब्लम भी होगा ना तो ये सोल्व कर देगा आपका प्रॉब्लम दोस्तों। बहुत सारे लोगों का पैसा वापस चला जाता है दोस्तों, अगर वो एक गलती कर देते हैं तो। आज की इस वीडियो में दोस्तों डिटेल से दिखाने वाला हूं कि ये प्रॉब्लम को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम देखने को मिला दोस्तों, आपका भी 1 सप्ताह हो चुका है, 2 सप्ताह हो चुका है, 20 दिन हो चुका है दोस्तों, लेकिन पीएफ क्लेम सेटल होने के बाद अगर आपको पैसा नहीं मिला है, तो आज का ये वीडियो आपको भूल करके भी मिस नहीं करना है। बिना स्किप किए वीडियो को देखिएगा दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को रामबाण इलाज देने वाला हूं ताकि आपका पीएफ जो सेटल हुआ है वो जल्दी आपके बैंक में मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए दोस्तों आप सभी लोगों को कंप्लेंट करना होगा। अगर सब कुछ सही है दोस्तों, तो आप सभी लोगों को ईपीएफओ को ये बताना होगा कि मेरा सब कुछ सही रहने के बावजूद भी, मेरा पीएफ जो है सेटल होने के बावजूद भी मेरा बैंक में पैसा नहीं आया। इस कंडीशन में आपको करना क्या होगा? सबसे पहले दोस्तों आप सभी लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है दोस्तों, मैं आ चुका हूँ ईपीएफओ के ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम में। ये एक ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम है दोस्तों, जहां से आप अपना जो कंप्लेंट है वो ईपीएफओ के पास रेज कर सकते हैं। यानी कि जो भी आपको प्रॉब्लम है, जैसे कि आपका प्रॉब्लम क्या है कि आपका जो पीएफ है दोस्तों वो सेटल हो चुका है लेकिन मिला नहीं है, वो हम कैसे करेंगे? ईपीएफओ का जो ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम है दोस्तों, यहाँ पे आप सभी लोगों को आना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने दे दिया है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं epfigms.gov.in, ये ऑफिशियल साइट है। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों कुछ इस टाइप का रजिस्टर ग्रीवेंस का एक होम पेज दिखेगा दोस्तों, यहाँ पे स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है आपको पीएफ मेंबर। मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ दोस्तों, कोई टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका। पीएफ मेंबर सेलेक्ट करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आप सभी लोगों के सामने 2 ऑप्शन आ जाएगा कि क्या आपके पास क्लेम, जो क्लेम का नंबर है दोस्तों वो आपके पास है या फिर नहीं है। ठीक है, अगर क्लेम का नंबर होगा, क्लेम का नंबर क्या होता है, जो आप क्लेम फाइल करते हैं, जो जहां पे आपका सेटल होता है या फिर 100% जो स्टेटस देखते हैं वहां पे क्लेम आईडी रहता है दोस्तों, तो वो नंबर अगर आपके पास है तो दे दीजिएगा, अदरवाइज यहां पे नो पे सेलेक्ट करके आपको आगे बढ़ जाना है। जब आप यहां पे नो पे सेलेक्ट करेंगे दोस्तों, फिर भी वही काम होगा, कोई दिक्कत नहीं है, नो पे सेलेक्ट करके आप आगे बढ़ सकते हैं, या फिर क्लेम नंबर है तो वो दे दीजिएगा, आसानी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं यहां पे आप सभी लोगों को यूएन का नंबर मांगा जा रहा है, और ये जो कैप्चा है दोस्तों इसको फिल करने के लिए कहा जा रहा है, दोनों कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहां पे गेट डाटा पे आपको क्लिक कर देना है। गेट डाटा पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपका यूएन का डिटेल्स आके सामने आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, यूएन नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप सभी लोगों को गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। गेट ओटीपी पे क्लिक करते ही दोस्तों आपके मोबाइल और ईमेल दोनों पे, ठीक है, जो भी लिंक होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा दोस्तों। मोबाइल नंबर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, मेरा मोबाइल में ओटीपी आ चुका है दोस्तों। ओटीपी यहाँ पे आने के बाद ओटीपी आपको सबमिट कर देना है और नीचे सबमिट पे क्लिक कर देना है दोस्तों। ओटीपी एंटर करने के बाद, सबमिट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली का ऑप्शन आ चुका है, यानी कि सही ओटीपी मैंने डाल दिया है। उसके बाद दोस्तों नीचे आना है, नीचे आना दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं पर्सनल डिटेल्स आपको फिल करने के लिए कहा जा रहा है, जैसे कि आपका मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर क्या है वो सेलेक्ट, जैसे मान लेते हैं मेल सेलेक्ट कर लिया मैंने। उसके बाद पूरा पूरा एड्रेस आपको दे देना है, जो कि सेम आधार कार्ड में वैसा एड्रेस दे दीजिएगा। ठीक है, जो भी एड्रेस आपके आधार कार्ड में वो दे दीजिएगा, पिन कोड, कंट्री, स्टेट, सब कुछ सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप सभी लोगों को यहाँ पे नीचे आना है और आप सभी लोगों को यहाँ पे पिन कोड देना है। पिन कोड देने के बाद दोस्तों नीचे आना है, एक और कैप्चा आप सभी लोगों के लिए यहाँ पे रखा गया दोस्तों, जो कि आपको फिल करना है। कैप्चा फिल करके दोस्तों जब आप यहाँ पे कैप्चा फिल कर देंगे दोस्तों, और आप सभी लोगों को यहाँ पे नीचे आ जाना है। कैप्चा सही से फिल कीजिएगा दोस्तों, कैप्चा गलत होगा तो ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। जब आपका कैप्चा सही होगा दोस्तों तो ये आगे बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ पे आप यहाँ पे कैप्चा फिल कर देंगे दोस्तों सही सही, और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीवेंस डिटेल का एक ऑप्शन आप लोगों के सामने आ जाता है, और ग्रीवेंस डिटेल में आपका पीएफ का नंबर देखने को मिलेगा दोस्तों। जितने भी सारी कंपनियों में आपने काम किया होगा उसका नंबर दिख जाएगा, पीएफ में पीएफ का जो नंबर होता है, ठीक है, पीएफ का खाता नंबर। मान लेते हैं दोस्तों आपने 3 कंपनियों में काम किया होगा तो तीनों का यहाँ पे नाम दिख जाएगा, नंबर दिख जाएगा, तो आपको वही सेलेक्ट करना है यहाँ पे जिसका आपको प्रॉब्लम है, जिस कंपनी में आपको प्रॉब्लम है। मान लेते हैं दोस्तों आपने पीएफ एडवांस अप्लाई किया है और आपको मिडिल वाले यानी कि दूसरा वाला कंपनी का पैसा आपको चाहिए था जो कि सेटल हुआ है, तो आपको वही सेलेक्ट करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक ही कंपनी में काम किया इसलिए यहाँ पे एक शो कर रहा है, आपके केस में ये 2-3-5 जितना कंपनियों में आपने काम किया होगा सबका दिखेगा, तो आपको सेम वही करना है जिसका आपको कंप्लेंट करना है। अगर उल्टा कर देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा दोस्तों, इसलिए मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद दोस्तों यहां पे देख सकते हैं एक नया पेज आपके सामने ओपन हो जाता है, जहां पे आपको बोला जा रहा है कि ग्रीवेंस रिलेटेड टू, यानी कि आपका प्रॉब्लम कहां से है, तो आपको पीएफ ऑफिस सेलेक्ट कर देना है कि मेरा प्रॉब्लम पीएफ ऑफिस से है। उसके बाद दोस्तों यहां पे
नीचे आने के बाद यहाँ पे ग्रीवेंस का कैटेगरी आपको सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो जैसे यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे दोस्तों, बहुत सारे ऑप्शन आप लोगों के सामने आ जाते हैं। बहुत सारे ऑप्शन आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सर्च करना है कि कहाँ पे आप सभी लोगों को ये दिख रहा है कि मेरा क्लेम सेटल हुआ है और पैसा बैंक में नहीं है। नीचे आएंगे दोस्तों, नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्शन आता है अमाउंट नॉट क्रेडिटेड इन बैंक अकाउंट आफ्टर क्लेम सेटलमेंट, यानी कि क्लेम सेटल होने के बावजूद भी पैसा बैंक में नहीं आया है, तो आपको वही सेलेक्ट करना है। नीचे आएंगे ना तो आपको ये मिल जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद एक ग्रीवेंस का डिस्क्रिप्शन लिख देना है कि मेरा क्लेम आईडी ये रहा, मैंने इस डेट को अप्लाई किया था। हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी इंग्लिश जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं दोस्तों, इंग्लिश में लिखेंगे तो बेटर होगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बेसिकली लिख देना है कि मेरा क्लेम आईडी ये रहा, मैंने इस टाइम अप्लाई किया था और मेरा क्लेम सेटल हुआ इस डेट को, लेकिन पैसा अभी तक बैंक में नहीं आया है। 3-4 दिन हो चुका है, 1 सप्ताह हो चुका है, 10 दिन 20 दिन हो चुका है, पैसा नहीं आया है, प्लीज हेल्प मी, यानी कि आप मेरी मदद कीजिए। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे दोस्तों, तो आपको यहाँ पे अगर कोई डॉक्यूमेंट है जैसे कि पीएफ क्लेम सेटल होता है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मान लेते हैं दोस्तों जो एसएमएस आपको मिला कि आपका क्लेम सेटल हो चुका है, शॉर्टली आपको मिल जाएगा, ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए। वो सारा कुछ आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं एज डॉक्यूमेंट, जरूरी नहीं है लेकिन कर सकते हैं। उसके बाद आप सभी लोगों को यहाँ पे नीचे आना है दोस्तों। नीचे आएंगे तो यहाँ पे ऐड का ऑप्शन दिया जाता है, यानी कि जो आपने अभी तक कंप्लेंट किया है उसको ऐड कर दीजिए। यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो ये ऐड हो जाता है। ऐड होने के बाद दोस्तों ये कुछ इस टाइप का देखने को आप सभी लोगों को मिलेगा, जहाँ पे देख सकते हैं आपका पीएफ नंबर दिखेगा, ठीक है, यानी कि ग्रीवेंस का डिटेल, कंप्लेंट का डिटेल। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों एक्शन का भी ऑप्शन, एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। और आपका यहाँ पे क्या है कैटेगरी, तो यहाँ पे देख सकते हैं अमाउंट नॉट क्रेडिटेड इन बैंक अकाउंट आफ्टर क्लेम सेटलमेंट, ये देखने को मिल जाएगा। उसके बाद नीचे सबमिट का बटन दिया जाता है दोस्तों, इसी सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। बस इतना करने के बाद दोस्तों आपका जो क्लेम जो आपका सेटल हुआ है अभी तक नहीं आया है, उसका जो आप कंप्लेंट कर रहे थे दोस्तों, वो सक्सेसफुली आपने ग्रीवेंस रेज कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे आप सभी लोगों को एक ग्रीवेंस का रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल जाता है, जिससे कि आप फ्यूचर में स्टेटस वगैरह देख सकते हैं। उतना जरूरी नहीं है, एक बार आपने कंप्लेंट कर दिया दोस्तों तो डेफिनेटली आपको उधर से ही कॉल आ जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है, या फिर आपको आप जब स्टेटस चेक करेंगे दोस्तों तो आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा कि एग्जैक्ट क्या चल रहा है, अंडर प्रोसेस है, क्या क्या एक्शन लिया गया है। आपको मेल से भी कॉन्टेक्ट किया जाएगा दोस्तों कि आपका ये जो प्रॉब्लम है इसमें क्या प्रॉब्लम है, जो ये पैसा यहाँ पे अटक गया है या फिर नहीं आया, आपको क्या करना होगा, आपको कौन कौन सा फॉर्म देना होगा, क्या देना होगा, नहीं देना होगा। बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों पैसा रिटर्न चला जाने के बाद आप सभी लोगों को रीऑथराइजेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है पैसा दोबारा लेने के लिए, तो ये भी फॉर्म हो सकता है, तो आपको बोल सकते हैं कि आप रीऑथराइजेशन फॉर्म भरिए दोस्तों। ये रीऑथराइजेशन अगर आपको फॉर्म डिटेल में देखना है कि कैसे भरते हैं अपने जो पैसा मेरा रिटर्न चला गया है सेटल बट रिटर्न वहां पे शो करेगा स्टेटस में, वो कैसे भरा जाता है अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं, तो बहुत ज्यादा लोगों का अगर कमेंट आता है दोस्तों तो मैं उस पर भी वीडियो ले आऊंगा। अगर आपको देखना है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ मुझे देखना है कि रीऑथराइजेशन का फॉर्म फिल कैसे किया जाता है। तो दोस्तों अभी जो तरीका मैंने बताया दोस्तों ये रामबाण इलाज है, अगर आप कंप्लेंट करते हैं तो ईपीएफओ खुद आपको हेल्प करेगा और मदद करेगा, और आपका जो पैसा अभी तक नहीं आया दोस्तों बैंक में वो जल्दी से जल्दी आपको मिल जाएगा दोस्तों। अगर ऐसे करते हैं दोस्तों तो आप डेफिनेटली अपने पैसे को जल्दी पा सकते हैं। तो दोस्तों अभी आप सभी लोगों को मैंने दिखा दिया है कि अगर आपका भी पीएफ क्लेम सेटल हो गया है लेकिन अभी तक बैंक अकाउंट में नहीं आया है दोस्तों, तो आपको क्या करना चाहिए। आई होप आज का ये वीडियो आप सभी लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आता है दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।